प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें जाना चाहिए। मना कैसा? फिर मारा उसने मुझे। अभी भी मारता है? हाँ, वो बदला नहीं। कमीने, एवरी डे दारू पीता है, घर आता है और मुझे मारता है। तो तुम कैसे क्यों रह रहे हो उसके साथ? छोड़ो उसे, तुम वो तुम्हें प्यार भी नहीं करता तुम उसके साथ रह रहे हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? और इस वक्त अगर मैं उसे छोड़ूंगी तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो कुछ नहीं करता है तुम्हारे लिए। तुम इवन इफ यू लीव हिम इट्स गोना बी ओके। तुम्हें मानने के लिए क्या करना चाहिए? तुम छोड़ो उसे, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे बच्चे की खुशी के लिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम अभी तो सब अपने आप कर रही हो, छोड़ो उसे। तुम्हें I think you're right. Oh, look at that. You both should have a picture, huh? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हो तुम? हाँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ। लेकिन किस लिए? मैं विकी से मिलने जा रही हूँ। अरे, तुम विकी से मिलने जा रही हो? हाँ। अकेले? माँ, मैं ठीक होंगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन वहाँ पर तुम्हारे दोस्त है क्या? हाँ है, दोस्त है। मैं गीता के साथ रहने वाली हूँ। मैं ठीक होंगी माँ। तो तुमने ठान लिया कि तुम जा रही हो? हाँ माँ, मैं और सही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर तुमने ठान लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छी तरह से जाना। अच्छा, क्या आप शिकागो जा रहे हैं? ऑब्वियसली शिकागो जाने वाली बस है, क्या नेब्रास्का जाएगा क्या? तो हम तीनों शिकागो जा रहे हैं। तीनों? हाँ, आप मैं और ये बस। आप गुस्से में क्यों हैं? मैं तो ऐसे बोल रहा था, मन मत लिए। लिसन मिस्टर। हाँ, इट्स राहुल। ओके राहुल, मुझे टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बात करने। मौके पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हें खतीर में कुछ भी करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखिए, विकी मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ शब्द नहीं, मुझे खबर है विकी। व्हाट बिंदी आदर और कुछ बना नहीं यार, माँ बाप ने सिर्फ भेज दिया तो सिखाया भी नहीं। अगर एक घंटे के अंदर मुझे कुछ अच्छा खाना बनाने के नहीं करते बात बता नहीं। तेरी बिंदी तुझे ही मुबारक, मैं नहीं कर सकती। बाय।
विकी को ये अंगूठी पसंद होगा। हाँ ये मैं भी खरीद लूंगी मैं। ये अंगूठी मुझको बहुत पसंद है। सुनिए मेरी वो अंगूठी पसंद कर चुकी हूँ, मैं कुछ खास था उसके लिए। आप दूसरी अंगूठी ढूंढ सकती हैं प्लीज? आई एम रियली सॉरी। नो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझती हूँ। मैं एक अंगूठी मेरी शादी के लिए देखती हूँ, लेकिन दूसरा देखूंगी। ओके दूसरा देखूंगी। सुनिए ये अंगूठी आप रख लीजिए, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको जरूरी है। नहीं प्लीज रख लीजिए, आपकी शादी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी आप आइए। ओह कब है आपकी शादी? March 29। ओह ओके। मेरी और मेरा बिजनेस कार्ड मेरा पास है। ओके आप कीजिए। ओके थैंक यू। तो फोन मैं मुझको फोन कर दूँ। ओके आई विल। थैंक यू बाय। मम्मी ठीक हुआ कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। तुम अपने ख्याल रख रही हो ना? हाँ माँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ। I can take care of myself. So खाना भी वक्त पे खा रही हो ना? हाँ माँ। तुम चिंता ज्यादा मत करना, विकी मिला कि नहीं? नहीं माँ मैं उसे अब तक ढूंढ रही हूँ, मालूम नहीं वो कहाँ है। So अब तक तुम्हें मालूम नहीं कि विकी कहाँ है? हाँ नहीं। सुनो माँ मुझे बाहर जाना है गीता के साथ, मैं फोन रखूंगी। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो और मुझे फोन करना बाद में, ठीक है? अच्छा माँ। अच्छा बाय बाय। ये आया तुम्हारे लिए। क्या? ओह हाँ लगता है वो जान ने अपनी शादी का कार्ड भेजी होगी, याद है गीता? हाँ याद है। क्या तुम जाओगी? सोच रही हूँ। विकी शर्मा, गीता, ओह माय गॉड, ये विकी शर्मा, ये मेरा विकी है, वो और वो जैन के साथ। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये विकी है ना? हाँ। ये मेरा विकी है ना? हाँ। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ अब? मैं क्या करूँ? अच्छा हाँ मुझे पता है। हेलो हाय जैनेट, क्या चल रहा है आजकल? अबे कुछ भी नहीं यार। हाँ वो शादी का तैयारी कितना तक हुआ? मैंने सब उसको बोला था। अबे उसकी फिक्र ही मत करना तू, सब मैंने संभाल लिया है। हाँ इसीलिए तो मैंने तुझको बोला था सब करने के लिए। हाँ वो आने वाले थे ना हमारा दो और दोस्त। हाँ वो कहाँ किधर चले गए? ओ ये रहे। क्या हाल है? क्या हाल? ठीक है ब्रो, ठीक है। तुम लोग एक ही बात कर रहा था। हमारे लिए चाय मंगा ले। चाय दो। तो तुम्हें पता है इसका शादी होने वाला है? अच्छा किसे, पहली वाली और दूसरी? मालूम नहीं था तुम लोगों का? जेनिट से कर रहा हूँ शादी। अच्छा मैंने सुना है वो इसी शहर में है, उसे ढूंढ रही है। हाँ वो है, पर तू भी क्या बात करता है, अब जेनिट मिल गई है तो जा रहा बाड़मेर जाए। क्यों क्या कहते हो दोस्त? ये क्या है? चलो चलो भाई। ये क्या है? चलो देखिए बताओ ये क्या है? इसलिए तुम मेरे फोन नहीं उठा रहे थे, ये क्या है बताओ? नहीं क्या है? तुम कहते थे कि तुम मुझे प्यार करते हो और हमारे शादी होने वाले हैं, ये क्या है बताओ? जारा तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? ये तो सिर्फ एक नाटक है, तुम्हें मालूम है मैं जेनेट के साथ सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए शादी कर रहा हूँ। क्या? हाँ फिर मुझसे शादी करने के बाद उसके छोड़ के हम दोनों शादी कर लेंगे।
प्लान है? नहीं जेनेट, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा प्लान है? तो इतना था कि सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए है? नहीं तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे मुझे मालूम नहीं था कि तुम इन्हें गिरा हुआ हो। नहीं साले जारा। हाँ डोंट जारा मी। देखो अब तो वो चली गई। हाँ अब तो तुम मुझको समझोगे। हे हे धन्यवाद तुम इतने घटिया आदमी निकले मैं सोच भी नहीं सकती साले कुत्ते कमीने। मैंने राहुल को बुलाया तुम दोनों क्यों ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ घूमो तुम अच्छा महसूस होगा ओके मुझे अभी काम जाना है ओके चलती हूँ। गीता ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया I feel bad for you. Sorry. It's okay. Like, you deserve better guidance. So. और तुम्हारी आगे एक अच्छे जिंदगी।